नमस्कार दोस्तों, दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर लोग कई प्रकार के भोजन का आनंद लेते हैं। कुछ लोगों को वेज खाना पसंद है तो कई नॉनवेज खाना पसंद करते हैं। नॉनवेज में ज़्यादातर लोग मटन चिकन खाते हैं। अलग अलग देश में खाने पीने का ट्रेंड काफ़ी अलग होता है। जैसे कि जापान में लोग सुशी खाना पसंद करते हैं तो इटली में पिज़्ज़ा और पास्ता। अगर भारत की बात करें तो भारत में लोग चटपटे और मसालेदार खाना पसंद करते हैं। लेकिन एक देश ऐसा भी है जहां के लोग मगरमच्छ का मांस खाते हैं। यह सुनकर आप भी हक्के बक्के रह गए होंगे। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं ऐसे ही फैक्ट्स के बारे में जिसे आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। थाईलैंड में मगरमच्छ का मांस काफी लोकप्रिय है। यहाँ के लोग इसको बड़े ही चाव से खाते हैं। थाईलैंड में मगरमच्छों की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। इस देश में हजारों मगरमच्छ के फार्म हैं, जिनमें करीब 12 लाख से ज्यादा मगरमच्छों को रखा गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार मगरमच्छ का मांस थाईलैंड में 570 रुपए प्रति किलो बिकता है। इसके अलावा मगरमच्छ के खून का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो 100 रुपए प्रति किलो बिकता है। मगरमच्छ के पित्त की कीमत 76,000 रुपए प्रति किलो होती है। इनका इस्तेमाल अलग अलग प्रकार के दवाइयां बनाने में किया जाता है। थाईलैंड में मगरमच्छों की खेती कानूनी तौर पर रजिस्टर है और सरकार से इन्हें काटने का आदेश प्राप्त है। यहाँ के लोग मगरमच्छों को काटकर उनका मांस पकाते हैं और फिर बड़े ही चाव से खाते भी हैं। इसके अलावा मगरमच्छ की स्किन से महंगे बैग बनाए जाते हैं, जिनकी कीमत लाखों में होती है। मगरमच्छ का मांस खाने की परंपरा थाईलैंड में पिछले 35 सालों से चली आ रही है। यह देश की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। थाईलैंड में मगरमच्छ का मांस खाने का चलन इतना बढ़ गया है कि यहाँ के लोग इसे अपने भोजन का अहम हिस्सा मानते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।